हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के हेलो एल्केन और हेलो एरिन के 4 और 5 अंक वाले 4 महत्वपूर्ण प्रश्न देंगे। गाइस, आपका समय बहुत कम बचा है, हम जो आपको 2 क्लासेस दे रहे हैं उसके अलावा भी आपको क्वेश्चन अब मैं दे देता रहा हूँ। अगर आपको टाइम मिले तो अपने से पढ़ते रहिए, अन्यथा मैं इन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन कराऊंगा और अच्छे से आपको चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाऊंगा। 70 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। उससे पहले भी अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी चैप्टर का बता दूँ, ताकि आपको मालूम रहे कि किस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं न्यू स्टूडेंट के लिए कि हमारी क्लासेस कौन कौन से चल रही हैं केमिस्ट्री की। उससे पहले जो पुराने स्टूडेंट इस चैनल पर आए हुए हैं इस समय, वे सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट सर लिखें और इन सभी क्वेश्चंस को एक बार एक पन्ने पर लिख लें। अगर आपको यह चैप्टर पढ़ना होगा तो इन सभी क्वेश्चन को विशेष ध्यान देकर पढ़ना, बाकी सभी क्वेश्चंस को पढ़ना लेकिन इन सभी को एक विशेष ध्यान देना, बार बार लिख कर प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और पूछे जाने की चांसेज हैं। तो मैं बता दूँ अपना क्लासेज न्यू स्टूडेंट के लिए, हमारे द्वारा केमिस्ट्री की 2 क्लासेज चलाई जा रही हैं। एक क्लासेज आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले में आपको डेली 6 क्वेश्चन कराया जाता है और इन 6 क्वेश्चंस को 70 दिनों तक कराया जाएगा तो पूरे 420 क्वेश्चन हो जाएंगे और आपके एग्जाम में केवल 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप 420 क्वेश्चन कर लोगे तो 26 क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेंगे। इसमें आपको न्यूमेरिकल और आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी कराया जाता है। 6 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं और बाकी आपके 1-2 न्यूमेरिकल होते हैं और 1-2 थियरी होती है। इस प्रकार से चीटी का चाल 70 दिन में आपके 420 क्वेश्चन कराने का प्लान लेकर चल रहे हैं। दूसरा क्लासेज आपको दिया जाता है जिसमें आपको शाम को 7 बजे दिया जाता है। ये सुबह 6 बजे आपको 6 क्वेश्चन दे दिया जाता है, दिन भर आपको अपने से प्रैक्टिस करना होता है जितने क्वेश्चन आते हैं, शाम को 6 बजे इन सभी 6 क्वेश्चन का सोल्यूशन कराया जाता है। और दूसरा क्लास शाम को 7 बजे होता है जिसमें आपको पी ब्लॉक चल रहा है। आज आपके पी ब्लॉक का ऑक्सीजन परिवार के तत्व तो शुरू होंगे, आप सभी लोगों को वहाँ पर आना है क्योंकि समय एकदम कम बचा हुआ है। समझ लीजिए 100 दिन से भी कम समय बचे हैं आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर। अगर आप ही चूक गए तो नहीं कर पाओगे बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज, इसीलिए मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास देकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आप लोग अपने से कुछ पढ़ते रहो। 1 मिनट का समय बर्बाद मत करो, 1 मिनट का समय समझ लीजिए आपको कितना पीछे ले जाएगा। क्या आपको मालूम है अगर आप 1 मिनट का समय बर्बाद कर रहे हो तो आपके दोस्त भी बर्बाद कर रहे होंगे? नहीं कर रहे होंगे, वो पढ़ रहे होंगे, इसीलिए मैं आपसे कर रहा हूँ 1 मिनट का समय बर्बाद मत करो और डेली की डेली पढ़ते रहिए। हम अलग से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्द ही फिजिक्स की क्लासेस भी आप लोगों के लिए आएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आएगी, थ्योरी की आएगी, न्यूमेरिकल की आएगी, सभी तरह की चीज़ों को आएगी। 1 से 2 दिन लग रहे हैं, उसके बाद फिजिक्स की क्लासेस शानदार तरीके से, हो सकता है हम ही आपको फिजिक्स कराएं, ठीक है। मैथ्स की क्लासेस भी जल्दी आएगी और बायो की क्लासेस का हम लोग प्लान कर रहे हैं, बायो क्लासेस थोड़ा लेट हो सकता है, आप लोग परेशान मत होना। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख लीजिए जल्दी से। सेंट मायर रिएक्शन क्या है, अभिक्रिया लिखना है। वैसे तो मैं 3rd क्लास में जो 6 इंपॉर्टेंट कर देता हूँ उसमें से 3rd क्लास में आपको सेंट मायर रिएक्शन कराया हूँ। जो स्टूडेंट सेंट मायर रिएक्शन पढ़े हैं वह स्टूडेंट सेंट मायर रिएक्शन के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और एलील हैलाइड के उदाहरण के साथ उसका क्रिया विधि से भी समझाना है। ये 2nd रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। क्लोरोबेंजीन से किस प्रकार प्राप्त करोगे, किस प्रकार से प्राप्त करोगे, DDT, टायुलीन, बेंजीन और फिनाल्स। लास्ट क्वेश्चन आपका, क्लोरोबेंजीन से किस प्रकार से प्राप्त करोगे, क्लोरोबेंजीन के निम्न अभिक्रियाओं को समझाना है। पहला हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये 4-5 रिएक्शन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हेलो एल्केन और एरिन से पूछे जाते हैं, इन्हें आप तैयार कर लीजिएगा। इसके साथ में गाइस आप 1 मिनट टाइम वेस्ट मत कीजिए, जहाँ से भी आपको क्लासेज मिल रही है, जहाँ से भी आपको पढ़ाई मिल रही है, बुक से और किताब से, जहाँ से भी आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाई कीजिए, बस पढ़िए बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए गाइस, मैं जो 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लान लेकर आया हूँ, अगर इसे आप फॉलो कर लेते हो 70 दिन बिना रुके बिना थके, अगर 70 दिन फॉलो कर लेते हो तो निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में एक अलग हाइक मिलेगी अन्य स्टूडेंट से आपको, क्योंकि 6-6 क्वेश्चन करके याद हो रहे हो, आपको लास्ट में वर्डन भी नहीं लगेगा क्योंकि 6-6 क्वेश्चन करके याद करना बहुत आसान है। 6 क्वेश्चन तो याद हो ही जाएगा ना, दिन भर में 6 क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते हो, क्या पढ़ सकते हो। 6-6 क्वेश्चन करके आपको डेली याद कराया जा रहा है, बहुत बेहतरीन क्लास है। अगर आप लोग नहीं आते हो तो जरूर आइए, सुबह 6 बजे से पहले ही क्लासेज का अपलोड हो जाती है, शाम को 6 बजे क्लासेज का सोल्यूशन एकदम चलता है आप लोगों के लिए, बेहतरीन तरीके से चल रहा है। इन सभी क्वेश्चंस का आपको क्या करना है, अगर आपको ये सब क्वेश्चन आते हैं तो आज ही लिख कर प्रैक्टिस कर डालिए, और नहीं आते हैं
तो इन सभी क्वेश्चन को लिख के रखे रहिए, अगर कोई पढ़ाता है आपको तो आप पढ़ लीजिएगा, उसके अन्यथा जब मैं ये क्लास शुरू करूँगा तब मैं तो बताऊँगा ही। मैं इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन डाल दीजिए, तो मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन डाल रहा हूँ सभी स्टूडेंट के लिए, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, बस ज़रूरत है आप लोगों को मेहनत करने की। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो ये सब चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी, कोई काम नहीं आने वाला है। बस आपका आएगा तो परसेंटेज, कुछ रह जाएगा तो परसेंटेज। आज के 10 साल बाद मुड़ कर देखोगे इंटरमीडिएट को तो क्या दिखाई देगा आपको, आपका परसेंटेज, और कुछ नहीं दिखाई देगा। अब परसेंटेज से बहुत ऐसी नौकरियां हैं जो डायरेक्ट परसेंटेज से मिलती है, मैं आपको अलग से सेशन लेकर आऊँगा अगर आप कहोगे तो, कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर 12th के PCM के परसेंटेज पर, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के परसेंटेज पर आपको नौकरी दे दी जाती है, इंजीनियरिंग के लिए आपको प्रवेश दे दिया जाता है और मेडिकल के लिए प्रवेश दे दिया जाता है। मैं आपको बता दूँ आर्मी की एक ऐसी टेक्निकल एंट्री स्कीम TES करके होता है, जिसमें आपके 12th के परसेंटेज के आधार पर ही एडमिट कार्ड भेजा जाता है और उसमें बस 2-3-5 दिन का इंटरव्यू होता है। सबसे अच्छी बात कि मैं भी वो उस इंटरव्यू को दिया था, अनफॉर्चुनेटली मैं फिजिकल में जो है अनफिट रहा इसलिए नहीं हो पाया, तो उसमें भी आपको मिलने का और करने का अच्छा मौका मिलता है। कहोगे तो मैं बता दूंगा कि 12th के परसेंटेज में कौन कौन से ऐसी नौकरियां हैं जो मिलती हैं, अगर आप 12th में परसेंटेज ला दिए तो आपकी 2-4 नौकरी निश्चित रखी हुई है। हम संडे को आपको बताएंगे कैसे होती है, आप कमेंट करिए अगर आपको जानना है तो। ठीक है गाइस, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखिए, अगर आप पढ़े हो तो इनको एक बार रिवीजन कीजिए, डेली की डेली क्लासेज में आइए और पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए परसेंटेज लाने के लिए। और एक बार फिर से लास्ट में वही सेंटेंस, मेरा लक्ष्य 90%, ये 90% का लक्ष्य बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।